ट्रॉफी भेज सकते थे और आई एम वेरी हैप्पी. लोगों को टनल तक छोड़ के आने में मेरी जितना योगदान मुझे नहीं लगता जितना था, जितना टनल से सबसे आखिर में बाहर निकालने के लिए मेरे फैंस का था, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ. और ये जो प्यार मुझे मिल रहा है और जो मैं बाहर आके फील कर पा रहा हूँ, आई एम वेरी थैंकफुल. इस तरह के फैंस नसीब वालों को मिलते हैं और मुनव्वर नसीब वाला है. मैं हमेशा कोई भी ऐसा मूवमेंट होता है, अच्छा होता है बुरा होता है, मैं हमेशा फील करता हूँ कि काश वो लोग होते और वो देखते. और चीज़ों से गुजरना पड़ता है. माँ की दुआएं मुझे हमेशा लगती है, माँ और बाप की दुआएं मेरे साथ है. तो आज शायद स्टेज पे कहना चाहता था बट कह नहीं पाया, बट मुझे लगता है ये सही जगह कहने के लिए कि तू साथ ना माँ पर साथ तेरा साया था. कितना मशहूर और कितना ही कमाया था, वो तोड़ने आए थे मेरा मिट्टी का महल, लेकिन बेटा मुमताज़ का इनका ताज छीनने आया था. भाई मैं जैसे बोलना चाहूँगा, गेम ऊपर नीचे होना, वाइल्ड कार्ड का आना, मैं अपने जब काम का अपनी कामयाबी का क्रेडिट खुद को देता हूँ तो मैं अपने फेलियर का भी कभी भी किसी और को ज़िम्मेदार कभी नहीं ठहराता. मैं हमेशा अपने फेलियर्स को भी एक्सेप्ट करता हूँ और जो अंदर मेरे साथ हो रहा था अगर मेरे कर्म की वजह से हो रहा था तो बाहर ये जो कुछ हो रहा था वो भी मेरे कर्म की वजह से हो रहा था. तो कहीं ना कहीं इंसान इस तरह के प्लेटफॉर्म पे जब आप किसी प्राइवेट चीज़ें और पर्सनल चीज़ें आती है आप उसके लिए रेडी नहीं होते हो, बट कहीं ना कहीं मुझे जो सपोर्ट और प्यार मिला है वो जानते हैं मुझे और उन्होंने हमेशा मुझे चीज़ों में देखा है. बिल्कुल रहेगी, क्यों नहीं रहेगी, अभिषेक और मनारा से मेरी दोस्ती हमेशा रहेगी, अंकिता से भी रहेगी. और घर है बिग बॉस का घर, बहुत सारे इमोशंस से आप गुजरते हो. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये सब फील करूँगा, वहाँ पर बहुत सारे इमोशंस थे और ख़ास करके दोस्ती को लेकर. आपको एक वक्त किसी से नाराज़गी होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कम बात करना या कभी झगड़ों की वजह से, और बहुत सारे लोग गेम खेल रहे होते हैं तो आपस में दोस्तों में वो रंजिशें आना लाजिम है. बट एट दी एंड आपको रियलाइज़ होता है कि जो रियल रिश्ते हैं वो घर के बाहर भी रहते हैं. देखिए मैं यही बोलूँगा कि जब आप एक रियलिटी शो जीतते हो और इतने प्यार करने वाले लोग होते हो तो आप कभी भी अपने एक नए प्रोजेक्ट को लेकर एक एक्सपेक्टेशंस बिल्ड कर देते हो अपने आप ही, और वो एक्सपेक्टेशन पे लोगों को लगा होगा कि भाई ये तो जाकर ही कुछ ना कुछ फाड़ना शुरू कर देगा. तो मैं हमेशा से सुनता था, समझता था कि बिग बॉस घर क्या है. कहा जाता था सिविलाइज तरीका, कहा जाता था कि घर में हो आप, घर में ऐसे बिहेव करते हो, अपनी लैंग्वेज पे काबू. तो मैंने दायरे मेंटेन किए, कभी किसी को पर्सनल अटैक नहीं किया, ना कभी किसी को गालियाँ दी, और मैंने हमेशा एक ऐसा जोन किसी के साथ रखा कि बात करके जब चीज़ें सुलझ सकती है तो मैं उलझाने वाला इंसान हूँ नहीं. और मैं अपनी ज़िंदगी में भी इस तरह चीज़ें सॉल्व करता हूँ, झगड़ों से दूर रहता हूँ. तो शायद मैं झगड़ा करते हुए दिखा नहीं होऊंगा बट मैं बातों से चीज़ों को सुलझा लेता था और गेम जब ज़रूरत थी मैंने उस हिसाब से खेला है. तो मैं जब बिग बॉस गया था तो मैं ट्रॉफी लेने ज़रूर गया था, लेकिन जब मैं अभी बिग बॉस से बाहर आ रहा हूँ तो सिर्फ ट्रॉफी लेके नहीं आ रहा हूँ, मैं एक बेहतर मुनव्वर को बाहर लेके आया हूँ. और ये मेरे एक्शंस में, मेरी लाइफ के आगे के डिसीजंस में और हमेशा दिखेगा. मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ, मुझे रिग्रेट नहीं हो रहा उस जर्नी में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, मुझे किसी चीज़ का रिग्रेट अफसोस नहीं है.
मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ ये सोच के कि मेरे साथ ये जो आजमाइश थी, जो एग्ज़ाम था, टेस्ट था, वो ऐसी जगह पे हुआ कि जिस जनता ने मुझे बनाया है उसी जनता के सामने मैं मौजूद था, कटघरे में था, और तब भी उन्होंने प्यार दे के मुझे हाथ दे दिया कि जब मैं लड़खड़ाया भी तब भी हाथ दिया कि ठीक है, हमें तेरा वो ज़ख़म नहीं देखना, उसके अलावा का जो पूरा जिस्म है, जो खूबसूरत है, उसको देखा और वो ज़ख़म पे ध्यान नहीं दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सारे फैंस का। मैं जैसे ही घर से बाहर आया हूँ और मैं वैनिटी गया हूँ और वैनिटी से यहाँ आया हूँ, मुझे एक आपने जो बात कही उसका कुछ भी इल्म नहीं है, तो मैं जाकर यहाँ जाकर मैं पहले तो फ़ोन खोलूँगा, चीज़ें देखूँगा, समझूँगा और उसके बाद ही कमेंट करूँगा इस पर। डेफिनेटली फैमिली, दोस्त, चाहने वाले, फैंस, सबको अफेक्ट करता होगा, लेकिन मैंने बहुत सारी विमेन के अराउंड प्रोजेक्ट्स किए, काम किए हैं, एंड वो जानते हैं कि मैं कितना रिस्पेक्टेबल रहा हूँ और कितना कंफर्टेबल मैंने उनको अपने अराउंड फील कराया है। और क्योंकि मैं जो टीम में काम भी करता हूँ, मेरी टीम जो अलग अलग जो लेबल्स में काम करता हूँ, वहाँ पर सारी औरतें हैं, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि वैसे भी लोग हैं जो मुझे आँखों में आँखें देख के औरतें बोलेगी कि वी नो दैट तू ऐसा नहीं है, और गलतियां होती है, और जो टैग्स आप कह रहे हो वो टैग्स मेरे एक्शन से और मेरे जो चरित्र बोलते हैं उससे ही उनके जवाब मिलेंगे भविष्य में और आने वाले वक्त में। मुझे सच में इस चीज़ का इल्म नहीं है, मुझे मैं ये किशन भाई, मैं ना ये सारी बहुत सारी चीजें हैं, मैं सुनिए, मैं वक्त वक्त टाइम दीजिए चीज़ों को, टाइम दीजिए, मैं अभी बाहर निकला हूँ आपके साथ, बस जेन्यूनली बोल रहा हूँ, मेरे लिए सारी चीज़ों को प्रोसेस करना मुश्किल हो रहा है इस वक्त, क्योंकि मैं 3 रात से सोया नहीं हूँ और मैं बाहर आया हूँ और मुझे कुछ भी नहीं पता है सारी न्यूज़ के बारे में, बट डेफिनेटली चीज़ें बेटर वे में सॉल्व की जाएगी। देखो देखो मैं, मुझे आपने ये बताया, मुझे नहीं पता है, बट लोग बोल रहे हैं कि डोंगरी में जश्न हो रहा है और मैं बहुत ही मैं पागल हो रहा हूँ कि है, मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं सोचता भी था कि जाने दो इन लोगों को, जिनको पार्टी करने जाना है, मैं ट्रॉफी लेके सीधा डोंगरी जाऊँगा। सबसे बड़ा मेरा जो लाइफ का फियर था वो मैंने फेस किया और उससे 2 दिन में ओवरकम हो गया। बिग बॉस घर ही ऐसा है कि आपको जब आप अपना करियर फोकस रखते हो तो साइड की चीज़ें आपके लिए फेड अवे हो जाती हैं, और जब मैंने एंटर किया था तो मैं जीतने के लिए आया था कि मैं विनर बनूंगा, बट अगर ट्रॉफी नहीं जीती, अगर दुनिया का दिल जीत लिया, इससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि जो भी मुझसे मिल रहा है वो ये बोल रहा है कि आप डिजर्विंग थे, तो वो सुन के भी बहुत अच्छा लग रहा है, तो बहुत अमेजिंग जर्नी रही। हाँ मैंने देखा, 5 लाख पे छोड़ के गया था, 3.5 मिलियन हो गए। मैं 1 साल से मैंने उसको मतलब नहीं, कुछ भी नहीं किया था, वो तो यहाँ पे बिग बॉस में वैसा हो गया। हाँ मतलब 1 साल से मैंने उसको टैक्स वगैरह कुछ नहीं किया था, और अब बिग बॉस में जब ऐसा कुछ हुआ तो
उसको फेस करना पड़ा, बट अभी बाहर जाके कोई कोई कनेक्शन नहीं। डन एंड डस्टेड, ये अंकिता जी से मैंने इंग्लिश में सीखा, नाउ इट्स डन एंड डस्टेड। तो आपको सरप्राइज भी तो करना था। नहीं नहीं तो नहीं नहीं, क्योंकि पहले इसलिए हमने एक्सेप्ट नहीं किया था, मतलब मैंने इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया था क्योंकि कभी पहले रिवील नहीं किया हमने सोशल मीडिया पे कि हम कमिटेड हैं या कुछ, और मुझे नहीं पता था कि वो जो एक इंटरव्यू उन्होंने प्राइवेटली लिया था वो पब्लिक कर देंगे कि मैं कमिटेड हूँ। पहले दिन ही स्टेज पर खुल गया, मैंने कहा यार मैं तो बाहर देख आया हूँ, मैं सिंगल था सिंगल था। तो जो भी हुआ मुझे बाहर आके पता चला सब अच्छा ही हुआ है, तो भगवान जय श्री राम, सब कुछ अच्छा ही हो रहा है और मुझे लगता है आगे चल के सब कुछ अच्छा ही होगा। मुझे अभी यही पता चल रहा है लड़कियों से ज़्यादा उनकी माएँ मेरी फ़ैन हैं, तो मैं माताओं को बस नमस्कार करना चाहूँगा और जो लोग मुझे प्यार कर रहे हैं उनका प्यार बटोरना चाहूँगा और ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहूँगा। लड़की के बारे में अभी मैं नहीं सोचूँ। बस अंकित भाई मेरे लिए, मतलब मैं उनको एक तरह से पूजता हूँ क्योंकि एक्टिंग का अगर थोड़ा सा जो भी मुझे एक्टिंग आते हैं उन्होंने ही सिखाई थी और मेरे को वर्कआउट भी उन्होंने ही लगवाया था। वर्कआउट उनकी वजह से मैं बॉडी फिटनेस में गया हूँ और उनकी वजह से मैं बिग बॉस में भी आया हूँ क्योंकि उनसे किसी ने कॉन्टैक्ट मांगा होगा, उन्होंने दिया होगा, फिर ऐसे आगे आगे बात बढ़ी और आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। तो मैंने तो जीतना एक्सपेक्ट किया था पहले दिन से मैंने जीतना एक्सपेक्ट किया था कि मैं जीतने के लिए ही आया हूँ। बट जब एक इंसान की पहले से एक फ़ैन फॉलोइंग होती है और वो फ़ैन फॉलोइंग उसने अपने दम पे ही कमाई है, उसको बीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट वही जो मैंने बोला कि दिल जीतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो मुझे आइयो ही नहीं हो रिश्ता, अभी शादी थोड़ी करनी है, अभी तो इधर ही देना है क्या सारा कुछ। हाँ तो शादी थोड़ी करनी है, तो मम्मी को पसंद आए ना आए बाद में करेंगे, अभी तो बहुत टाइम है। अभी आप लोगों को क्या लगा, फेक था? मैं आपसे भी पूछ लूं, मैं पहली बार दे रहा हूं ना इसलिए मैं पूछ सकता हूं। मेरे को तो नहीं, मैं बहुत रियल था, मेरे को जो दिल में आ रहा था मैं वो सारे इमोशन, क्योंकि मैं कोई इमेज लेके नहीं गया था कि मेरी ये इमेज है, तो मैं इमेज कॉन्शियस बिल्कुल नहीं था। तो जो मेरे को फील हो रहा था वो मैं बोल रहा था, और अगर मैं किसी से रिजेंबल कर रहा था तो वो मेरा फॉल्ट नहीं है। जैसे ईशा ने भी आके आई थिंक बताया कि ये ऐसा ही है, तो हाँ मैं ऐसा ही अभी तो बाहर आया हूँ, अभी मुझे नहीं पता ख़त्म हुआ है नहीं हुआ है, पर मैं उस चीज़ को ओवरकम करना चाहूँगा। मैं नहीं चाहता कि वो चीज़ मेरी सक्सेस के आड़े आए और मैं उसको ओवरकम करके आगे बढ़ना चाहूँगा। किसने इस बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहता। इस टॉपिक से रिलेटेड मैं कोई बात नहीं करना चाहता और वो बिग बॉस में ख़त्म हो गया, इस बारे में कोई बात नहीं। मैं मुनावर और मनारा के साथ फ्रेंडशिप रखना चाहूँगा, खान शादी के साथ फ्रेंडशिप नहीं। तो मुनावर भी मेरा दोस्त ही है, अगर किसी ने उसको सपोर्ट कर दिया तो गलत बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ मुझे पता चला मेरी वेट कर रही है, झूठ बताया लोगों ने। तो अगर मुझे फिर बाहर आके मैं देखूंगा क्या है, मैं अंदर रह के मुझे क्या पता क्या हो रहा है।
वो हाँ मैं नहीं चाहता था वो थप्पड़ लगे, बट वो मेरा रिएक्शन वैसा निकल गया, बट मुझे सुनने में आया कि वो मतलब मैं हीरो बन गया उसके बाद से, बट पर वो अच्छी बात नहीं है, मारना नहीं चाहिए। एक्चुअली मैं गिल्टी हूँ। अरे आप बहुत टफ सवाल पूछ रहे हो यार। पूछिए पूछिए पूछिए, अब आप पूछोगे खानसादी का, आपने यही पूछोगे ना। क्लॉस्ट्रोफोबिया? मैं आई थिंक मैं 27th फ्लोर पे स्टेयर से जाता हूँ, मैं लिफ्ट से नहीं जाता। मैं मेरे फादर को क्लॉस्ट्रोफोबिया, वो पंजाब से बॉम्बे ट्रेन में आए हैं और वो कार से ट्रैवल करते हैं अगर दूर दूर कहीं जाना हो तो। ये फैमिली फोबिया है, मेरी दीदी को भी था, मेरी दीदी का ओवरकम हो गया, बट ये मैं लिफ्ट में कभी नहीं जाता, बहुत दिन बहुत टाइम हो गया। हाँ हाँ, ऐसा लग रहा था कि चमत्कार हो जाएगा, जैसे एक बार चमत्कार हुआ था, मैं बाहर जाके अंदर आ गया था तो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम करता करता मैं घर से बाहर होके अंदर आ गया, मुझे लगा मैं जीत भी जाऊँगा, बट ठीक है, टॉप टू में आना भी चमत्कार ही था। इस लाइफ से ये जो मैंने जो मुझे रियलाइज हुआ मेरे बारे में कि मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं फोकस्ड हूँ, मुझे पता है कि मैंने 105 के 105 दिन वर्कआउट नहीं छोड़ा, चाहे मैं बहुत पतला सा ख़त्म सा हो गया बट मैंने वर्कआउट नहीं छोड़ा, मैं बहुत फोकस्ड था, लड़ता रहता था फिर भी वर्कआउट कर रहा होता था, मेंटली अनस्टेबल होता था फिर भी मैं लड़ रहा होता था, ये कर रहा होता था वो कर रहा होता था, तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं मेंटली बहुत स्टेबल हो चुका हूँ, इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो चुका हूँ। और एक चीज़ जो मैं नहीं करना चाहता, मैं अपने शॉर्ट टेम्पर्ड जो मेरा नेचर है उस पर ओवरकम करना चाहता हूँ। नो इसके बारे में कोई आंसर नहीं दे सकता। किसने बोला पता नहीं, मैं मेरे को बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिया है और मेरे को डर लगता है तो मेरे को नहीं देना यार। क्या कंफर्टेबल नहीं है समीरा? क्या प्रोस्टिट्यूट? मैंने बोला था इसने बोला भाई ये बिग बॉस में। अरे मेरे क्या बात कर रहे हो, मैं कुछ बोलूं? थैंक यू, चलो दैट्स इट। सबनु बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद पूरे इंडिया को, एंड आप सबकी वजह से मैं बहुत भारत देश में बहुत प्यार पा रही हूँ। सो थैंक यू सो मच। मुझे पता चला कि लोगों को मेरी जर्नी बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि सब कह रहे हैं मैं बहुत नेचुरल थी घर के अंदर, एंड मुझे बहुत एक्साइटमेंट है कि मैंने टॉप किया सब गर्ल्स के अंदर भी। सो या बॉयज़ थोड़ा सा आगे रह गए बट गर्ल्स की वाइब तो यही है ना मनारा में। अंकिता जी ने बहुत अच्छा गेम खेला एंड उन्होंने तो बहुत बड़ी बिग बॉस की फैन भी रही हैं एंड उनको पता था कि गेम के बारे में कैसा करना है, एंड प्लस वो एज अ कपल आई थी विक्की भाई के साथ, मैं तो इंडिविजुअली घर पे अकेले गई थी और मैंने घर पे बहुत मज़े करे हैं। मेरे लिए 3 महीने बिल्कुल मज़ेदार और एकदम हॉलीडे वाले थे और करते 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 मैंने यस आपने जैसे बोला मैंने उन्हें बीट करा, तो मैं इसके लिए बस ग्रैटिट्यूड टू एंड बट ऑल द लव टू अंकिता जी। मनारा
सच्ची ऐसे थोड़ी ना होता है कि उसकी वजह से पहुंची। मेरा गेम इंडिविजुअली भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, एंटरटेनिंग तो मैं थी एंड हमेशा वीकेंड के वार पे सलमान सर से अच्छी बातें सुनने को मिलती थी। कभी कभी जब गलत होता था तो मेरे को सर हमेशा करेक्ट करते थे एंड मेरा बिग बॉस में सिलेक्शन हुआ है तो जिस तरह की मेरी पर्सनैलिटी है उसकी वजह से हुआ है और मुनावर से मेरी दोस्ती हुई है तो उसकी भी मेरे साथ हुई है। सो आई थिंक फ्रेंडशिप कभी एक वे नहीं होती, दोनों वेज होती। मैं जब एक्चुअली बताऊँ, मैं रियल लाइफ में बहुत जज्बाती इंसान हूँ। अगर मैं किसी को दोस्त मान लेती हूँ तो मैं उनके लिए बहुत, मतलब मुझे लगता है कि मेरे घर से रिश्तेदार आए हैं। तो हाँ, मुनव्वर ने मुझे बहुत हेल्प करा क्योंकि मेरे बिग बॉस का सच्ची में मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। और जब वहाँ पर एक्चुअली जब आप लोग टी वी पर देखते हो ना तो जब कोई लड़ता है ना तो अलग आवाज़ें लगती हैं, बट जब आप वहाँ पर बैठ के फील करते हो इट्स अ वेरी डिफरेंट इमोशन। सो आई एम ग्रेटफुल कि वो वहाँ पे था। उनके अलावा भी और भी बहुत लोग थे। आई थिंक तहलका भाई हमेशा था, मेरे पूरे जो जिनको मैं कहती हूँ माइके वाले वो सब थे वहाँ पे, अरुण भाई थे और बहुत सारे लोग थे। सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और बहुत प्यार दिया। कुछ लड़ाइयाँ हुई बट जहाँ तक आप बोल रहे हो कि मैं कन्वीनियंस के हिसाब से तो मैं कभी काम भी ना करूँ। जो काम पसंद होता है रियल लाइफ में भी वही काम करती हूँ सिलेक्टेड। तो आई डोंट थिंक कि मैंने कभी भी बिग बॉस के घर पे कन्वीनियंस के हिसाब से दोस्तियाँ चेंज करी है। अच्छा, तो मैं सीधा बोलती हूँ, मैं इतनी कोई परफेक्ट लड़की नहीं हूँ। मैं जो हूँ मैं ऐसी सी ही हूँ। अगर मैं किसी के साथ 6 घंटे कहते अनुराग के साथ बैठ के बातें करी थी तो ऑफकोर्स, अगर मुनव्वर और अनुराग दोनों ही मेरे दोस्त थे शो में तो ऑफकोर्स दोनों की एक आधी बात आई होगी इधर से उधर। एंड आई डोंट थिंक इसमें कुछ रॉन्ग है बिकॉज रियल लाइफ में भी आप सबके साथ होता होगा ना, अगर एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है तो आप इधर की बात थोड़ी उधर, उधर की उधर। ऐसा नहीं, उन दोनों की भी बहुत अच्छी दोस्ती थी, वो लोग भी आपस में, उनका भी कोई ट्रैक रहा होगा जो मुझे घर जाके पता चलेगा। बट आई थिंक मैंने दोनों के साथ अच्छे से दोस्ती निभाई। अब देखना ये है कि घर के बाहर वो लोग दोस्ती निभाते हैं या कैसे। उसके बाद आप काफी बार रोए क्या, और आपके फैंस कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी बायस थी, आपको क्या लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस बायस थी, क्या आप पे अटैक्स हो रहे थे, ऐसा फैंस का मानना था और आप काफी इमोशनल थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, क्या कहना चाहोगे? तो बेसिकली अभी तक मेरे सिर्फ यू नो मूवीज के लिए, मोस्टली तो हैदराबाद में मूवीज के लिए इंटरव्यू करा है। तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी मैं एक्चुअली घर के अंदर डांस वांस कर रही थी, सब लोग रेस्ट कर रहे थे, मैं डांस वांस कर रही थी। मुझे तो पता भी नहीं था क्या होने वाला है, मुझे लग रहा था कि वहाँ पे पूछेंगे कि यू नो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस एंड ऑल दैट, एक व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस और ये सब। बट जब वहाँ पे ढिशक्याओ क्वेश्चन आने लगे मैं तो डर गई। एंड जो विक्की भाई के लिए क्वेश्चन आए मुझे बहुत अजीब सा फील होने लग गया एंड आई थिंक मैं बहुत लो हो गई बिकॉज रियली विक्की भाई के साथ एक ऐसी बॉन्डिंग थी। क्योंकि जब मुनावर वगैरह अपनी लाइफ में मूव ऑन हो गए, जब उनके बाहर के रिश्ते आए तो विक्की भाई, ईशा, समर्थ वहाँ पे होते थे, हम लोग कॉफ़ियाँ पीते थे एंड यू नो चाय बनाते थे, तो मुझे उनके लिए भी बहुत बुरा लग रहा था एंड अपने लिए भी लग रहा था कि यार मतलब नॉर्मल सी बात को इतना अजीब तरीके से बाहर जा रही है। तो आई थिंक मैंने पहली बार हमेशा मीडिया में अपने लिए बहुत सारा प्यार ही देखा है इवेंट्स पे पोस्ट करते हुए, जैसे मैं अभी करी थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था बिकॉज दिस इज़ अ जनरल थिंग विच आई हैव सीन। बट अगर वहाँ पे ऐसा हुआ तो आई वाज, शायद मैं रेडी ही नहीं थी, शायद मैं पहले का बिग बॉस देखती और पता चलता कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कितनी हार्ड हिटिंग होती है बिकॉज दे वर नॉट लाइक प्रेस, दे वर एक्चुअली लाइक हार्डकोर फैंस ऑफ बिग बॉस। तो शायद मैं बहुत ड्रेन्ड हो गई थी, अगले दिन मैंने कहा हाय मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। सो बट या अंकिता से, अंकिता से अगर मैं बात करूँ, क्या आप बाहर इन दोनों
देखो मेरे को बातें करने का बहुत शौक है और मैं जहाँ भी जाती हूँ बातें कर सकती हूँ। अभी भी इंटरव्यू 4 घंटे चले तो मैं आराम से बात कर लूँगी, तो ऑफकोर्स विक्की अंकिता बाहर बात करेगी तो मैं क्यों मना करूँगी यार। अच्छा ये भी कहा गया कि जब मुनावर से दाल नहीं गली तो विक्की भैया का सारा नहीं। मुनावर से दाल नहीं गली, अरे नहीं 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 नहीं, वो दाल बहुत अच्छी कहलाता है, उसको खाना बनाने का बहुत शौक था शो में और वो कुकर में सीटियाँ डाल डाल के अच्छे से दाल गलाता है, तो मुनावर की दाल है तो कैसी नहीं गलेगी। बट आई थिंक शो का फॉर्मेट ही कुछ ऐसा था कि मैं बहुत जज्बाती हो गई थी और जब मैंने मुनावर से डिस्कस करा कि मुझे नहीं लगता कि आप मेरे को, मैं उसको बाहर से फर्स्ट ऑफ ऑल कभी भी जानती नहीं थी, मैं उसको शो के अंदर ही मिली हूँ और मुझे उसका प्रोफेशन वगैरह भी इतना पता नहीं था। लाइक स्टैंड अप देखते हैं हम लोग बट उनका नाम किसका क्या यू नो लाइक, अब मैं जाके बहुत स्टैंड अप देखूँगी बट मैंने नहीं 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 नॉलेज के लिए कि ये भी एक प्रोफेशन होता है जो आजकल बहुत सीरियस हो गया है। ये थैंक यू मेरे दीदी फॉर सपोर्टिंग मी। ओके ओके सो थैंक यू मेरे दीदी फॉर सपोर्टिंग मी, आपने मुझे सपोर्ट करा, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मैंने अपनी पर्सनालिटी से अपनी रिस्पेक्ट भी रखी शो पे और अपनी फैमिली की भी। सो थैंक यू मिमी दीदी एंड लॉट्स ऑफ लव टू मालती। ओ तो फिर आप उनसे जाके पूछो, मुझे नहीं पता। अच्छा आयशा के आने के बाद मैं उसके लिए पोजेसिव लगी, वो दोनों क्या कर रहे थे वो किसी ने नहीं देखा क्या? ऑफ कोर्स वो भी तो देखो यार, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? यस मैं हूँ एक्सप्रेशन क्वीन सारंगियो, आई लव यू और अब हम मिलते रहेंगे, पार्टी करते रहेंगे। हाँ मैं खतरों के खिलाड़ी को होस्ट करना चाहती हूँ, मेरे लिए एक फन सेगमेंट बनाओ ताकि मैं जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं जो एक्चुअली खतरों से आए अपने खतरों के स्टंट्स करके उनको थोड़ा लाइटन अप करने के लिए मनाड़ा की वाइब तो चाहिए ही ना। मुनावर मे द बेस्ट पर्सन विन एंड ऑफ कोर्स आई विश हिम ऑल द बेस्ट। अब वो जीत गया है तो आई एम श्योर वो बाहर आके अपनी लाइफ को एक रीस्टार्ट देगा एंड जो उसने एक नैरेटिव सेट करा था और अब जो वो शो से कहता है कि मैं शो से कुछ नया सीख के जाऊंगा, आई होप वो अपनी लाइफ में अच्छी करेक्शंस करे। थैंक यू पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग इधर आए, आप लोगों का एक एक आदमी का शुक्रगुजार करता हूँ मैं। और दूसरी चीज़ टॉप 5 तक का पहुंचना बहुत बहुत नेक्स्ट लेवल था, एकदम अलग ही था मसला, तो मैं कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं टॉप 5 तक आऊँगा बोल के, उम्मीद हार गया था। जब तहलका मेरा भाई 7वें हफ्ते में बाहर निकल गया था घर से तो मैं टूट सा गया था, फिर अलग ही से एक डिप्रेशन में चले गया था। उसके बाद से जब फैमिली वीक आया मेरी वाइफ से, मैं वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मिसकरेज हुआ, सो वो एक अलग सोने पे सुहागा हो गया था मेरे को वहाँ पर, तो और टूट सा गया था पूरा। अब गाड़ी चलते गई, ऊपर वाला मेरा साथ देते गया, लोगों का प्यार मोहब्बत, उन लोगों को मैं कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक रियल जेन्यून था कि दिल में एक और ज़बान पे एक नहीं कि दूध का पैकेट फाड़े तो भी अंदर दूध ही निकलना, पानी नहीं अंदर का अंदर दूध, बाहर का बाहर भी दूध ही, तो जो था ओरिजिनल था रियल था। दैट इज़ द रीज़न लोगों को मेरी हैदराबादी और मेरी जो रियल है कॉमन, जो कॉमन चीज़ मैं अपने आप को क्या सामने वाले को मैं ये नहीं, मैं मेरे में मैपना नहीं है भाई कि मैं छूँ बोले तो ख़त्म हो गया, मैं छूँ नहीं, आप भी है मैं भी हूँ, बस इतना मैं बोलना चाहता हूँ। सोते हुए तो नहीं, ये गलत बात है, लोगों का काम है बोलना तो लोग कुछ भी बोल सकते हैं, मेरे को मालूम है, तहलका भाई को मालूम है, और सोते हुए ये चीज़ तो मैं इनकार करता हूँ, मतलब कि वो गलत बात है, सोते हुए होता तो कब का निकल जाता। कहीं ना कहीं मैं टॉप 5 तक आया हूँ तो लोगों को कुछ तो पसंद आया, दैट इज़ द रीज़न मैं टॉप 5 तक आया हूँ, सोते हुए रहा तो पहले 2 हफ्ते में गायब हो जाता था।
नहीं, मैं पहले तो ये नहीं बोला कि मैं आम बोलने जा रहा हूँ तो लोग जाम समझते, ये नहीं बोला। मैं अगर कुछ बोलूँगा आम तो लोग बनाएंगे जाम, मतलब कि मैं एक आदमी को कुछ बोलूँगा, उससे कुछ डिस्कस करूँगा और वो मेरा नाच आने वाला है तो उसको उन्हें दूसरों के सामने कुछ और बताएंगा तो लपड़े हो जाएंगे, तो इसी कारण मैं थोड़ा थोड़ा जगह नहीं बोला, थोड़ा थोड़ा जगह बोला जी। पहले तो वो हैदराबाद का था इमोजी जो था बैगन का, जो हम लोग सिर्फ हैदराबाद में इस्तेमाल करते थे। कहीं ना कहीं बीइंग ए हैदराबादी आई एम सो प्राउड दैट अभी पूरा नेशनल उसको बैगन एक वर्ड इस्तेमाल करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं गलत बात है उसके लिए नहीं। सौ बात की एक बात, घर में तो कुछ ऐसा आड़ा टेढ़ा काम करो बोल के सिखाए नहीं पहली बात, और दूसरी चीज़ सर उठा के आया था और सर उठा के जा रहा हूँ, और कहीं ना कहीं नाम भले ही कम कमाया होगा बदनाम तो नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, तहलका प्लस तहलका की मिसेज दीपिका भाभी प्लस मेरी वाइफ और जितनी भी जनता है जो लोग मेरे को बिलीव करते हैं, दैट इज़ अ रीज़न मैं यहाँ तक आया हूँ, सबको कोटि कोटि और एक एक को पकड़ पकड़ के मेरा सलाम और नमस्ते। रोते रोते तो टॉप फाइव तक आया, एक वाइल्ड कार्ड पोटी उसका बोटी बोटी बना के चल दिए, और क्या बोलूँ। मैसेज तो सही नहीं गया, विनर जो था ऑडियंस के हाथ में था, बहरहाल ऑडियंस जिसको चुनी वो तो विनर बनता ना भाई। अब मुनव्वर को चुनी तो लोगों को ज़्यादा लगता है तो मुनव्वर इज़ द विनर, लेकिन रही दूसरी बात जो मुनव्वर की तरफ से जो हुई थी गलती, कहीं ना कहीं ही हैज एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट किया है कि वो गलती है, उससे इन्फ्लुएंस ना हो, ये भी एक हिसाब से गुड मैसेज गया कि भाई हीरोपंथी बंद करो, ज़रा इज्जत से जियो। बस आंख बन करके ओम नमः शिवाय बोल रहा हूँ भाई, हर जगह नकली नकली नकली, सामने एक बात करते पीछे एक बात करते इधर एक बात करते 10 मिनट बाद उधर जाके कुछ और बात करते, तो समझ में नहीं आता, तो थोड़े बहुत ऐसा बाता चुपते बाता लगते कि भाई अभी वो बाहर की ज़िंदगी होती, अगर कोई टैं 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 करा तो खींच देते फिर बाद में बात करते, लेकिन वो सब कंट्रोल में रखते। नहीं अनुराग कहीं ना कहीं वो आए जब से क्राई बेबी था, कुछ भी बोले तो गम के टुकड़े सुनाते रहता था, रोते रहता था, मेरे को वो नहीं है। कुछ भी चीज़ अपने को बोले तो एक्सपोर्टिंगली लेते थे और हमारे को एंकरेज करने के लिए बोलते थे। कहीं ना कहीं आप लोग देखे होंगे सोहेल सर और अरबाज सर ब्लैंकेट ओढ़ के तहलका तहलका बैगन बैगन बोले तो वो एक इनडायरेक्ट वे में भाई तुम लोग ब्लैंकेट में हो, ज़रा निकलो बाहर कुछ करो बोल के, तो हम उसको स्पोर्टिंगली लिए, ना कि अनुराग के बोलने से कि भाई हम लोगों की बेइज्जती हो रही वो हो रही, वो कुछ कम्युनिटी कार्ड खेल रहा था वो हम लोग नहीं खेल रहे। लास्ट क्वेश्चन पहले तो सबर सीखा मैं, बहुत बड़ा सबर समुंदर से बड़ा है, गारत का गड़ा इतना बड़ा है, तो सबर मैं बेसबरा था, एकदम अमूल बेबी था घर में, पैम्पर्ड किड था, मेरी अम्मा मेरे को आज भी खाना खिलाती, तो पूरे शौका पूरे जितने भी अपने राजा जिंदगी छोड़ के आके ये जिंदगी जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिंदगी की धूप लग गई, बड़े लेवल पे लग गई और बहुत कुछ सीखने को मिला, काम अपना खुद का कुछ करके एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल कहला लो, पैम्पर्ड किड से एक इंडिविजुअल आदमी मतलब एक रियल मैन बन के निकला हूँ। अब देखो भाई मेरा पेट नहीं गंडी पेट था, अंदर दो रोटी पे जिंदगी गुजारना पड़ रहा था, इतना सा चावल बाहर में दबा के 10-10 रोटी खींचता, कभी रसगुल्ला कभी गुलाब जामुन जो आ रहा खाली आंदो था, अंदर जाके लिमिट लग गई, तो जरा मसला अच्छा ही छुआ ना भाई, बेहतरीन दिख रहा और क्या होना तुम्हारे को। सबसे मिलेंगे ना भाई, मोहब्बत की जिंदगी है, प्यार मोहब्बत से रहेंगे, किसे क्या दुश्मनी रखे क्या करना है भाई बोलो। चलो थैंक यू गाइस। क्या बात है, सब सॉन्गिंग करने का इरादा है कलर के साथ में।
मैम इधर राइट साइड मैम, मैम इधर राइट राइट मैम आपके राइट में देखिए ना माधुरी मैम, मैम इधर राइट 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 बिलाल मैम रुक गया मैम सेंटर वेट 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 पीछे पीछे मैम पीछे क्या कर रहे हैं मारा मैम मैम फारूक सपोर्ट में अंकल का लोग बंदे मैम मुनावा फारूकी को सपोर्ट कर रहे किसको हुआ शादा उसकी वाइफ है अंकल की मैडम शर्ट क्या कर रहा है हसन भाई गाड़ी के पास जाना विंडो नीचे होएगा यही अभिषेक की माँ ब्लैक बॉडी ने आज से इसको हो जाएगा क्या आगे कौन चलो भाई आ गए हट जाओ अरे अंकिता क्यों नहीं है सामने किधर आ रहा है छतरी वाले को क्या हो गया अरे छाता उसने ऐसा आ रहा है ज्यादा है भाई तो ऊपर लेना है कि इसे छुपाना रहता है और उसके भाभी भी रहती है मैडम मैडम हटो हटो गाड़ी जाओ यार मैम 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 इस ब्रेक ब्रेक इधर लगा
अच्छा उसमें भाभी है अबे क्या खेल रहा है बेटा अरुण की बेटी है हेलो मैम ये छाता अरे छाता थोड़ा मैम 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 रुकिए पीछे भी कोई नहीं था वाइट में किधर है पीछे वाइट में हाँ पीछे से मेरे को लग रहा है सब घर पे गए अभी हाँ मुनव्वर की बहन है अभी उधर पे अभी मुनव्वर की बहन पीछे निकल रही है भाई ये हटना तो सामने से अबे मत नहीं दिख रहा है तो क्यों कर रहे हो चलो थैंक यू जॉडी भाई जाने दीजिए।